गाइज, अगर गैस पाइप है वो ख़राब हो जाता है तो हमें डेफिनेटली इसे चेंज कर देना चाहिए। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, जैसे इसको मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए ऊपर में ख़राब हो गया है, तो इसे रिपेयर करने के लिए अच्छी ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सेलो टेप, जिसे आप इसमें चिपका करके, देखिए आपको ऐसे रोल करके अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, और करने के बाद क्या करना है, आप लेना है आपको हेक्सा ब्लेड, और इससे अच्छे से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से आपको कटिंग करना है, आप कहीं पे रख ले इसे, क्योंकि दोनों साइड इसमें धार होती है तो आपके हाथ में चोट लग सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, कि अगर पाइप चेंज कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये जो पाइप मैं दिखा रही हूँ वो कहीं भी लीकेज नहीं हो रहा है, बस ऊपर से ख़राब हो गया है। तो इस वजह से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ और तभी आप सभी को दिखा रही हूँ। आपको ज़रा भी डाउट हो रहा है कि आपके पाइप है गैस के वो लीक हो रहे हैं, तो आप इसे चेंज कर लें। और देखिए यहाँ पे पाइप है वो कट गई है अच्छी तरीके से, और थोड़ी बहुत जो भी तार निकला हुआ है उसे सीजर की हेल्प से काट लेना है। अब आपको टेप को हटा देना है, और देखिए टेप को हटाने के बाद ये कैसा दिख रहा है गाइज, इसके जितने भी तार थे वो सब अच्छे से कट हो गए। अब आपको क्या करना है, लेना है गैस पाइप रिंग, जो कि आपको हार्डवेयर दुकान में आसानी से मिल जाएगी, और उसको क्या करना है, पाइप में फिट कर देना है, देखिए यहाँ पे जैसे किया जा रहा है, और आपको गैस चूल्हे में इसे लगा देना है और अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए।